हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बोर्ड मास रूल लगभग कंप्लीट हो गया था, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें प्लस 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 माइनस इन सभी का नियम सीखने का मतलब चिन्हों का नियम सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो लब चिन्हों का नियम सीखते इसमें आता है जोड़ घटाव का नियम। इनको भी जोड़ और घटाव का गुणा भी करते हैं, भाग भी करते हैं, कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। उसके बाद बोर्ड मास नियम को वापस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है जोड़ मतलब प्लस व घटाव माइनस को गुणा करने का नियम। मतलब अगर प्लस प्लस हो तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब देखो, अगर प्लस गुणा प्लस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लस दो गुणा प्लस तीन दे रखा है, ठीक है, तो प्लस दो का दो ऐसा कैसे गुणा प्लस है तीन ऐसा कैसे, दो को तीन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, छः। प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस को या तो लिख दो या ऐसे लिखते भी नहीं है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर माइनस गुणा माइनस हो तो वो क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइनस दो गुणा माइनस चार, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख लो इसको, दो माइनस दो गुणा माइनस चार आ गया, तो चार दूनी आठ होता है, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस आ गया। इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट तीन नंबर आता है, इसमें देखते हैं अगर माइनस गुणा प्लस हो तो क्या होता है, माइनस। फॉर एग्जांपल, अगर माइनस तीन गुणा प्लस चार हो तो क्या आएगा, ठीक, तो क्या आएगा, माइनस तीन गुणा प्लस है तो प्लस ऐसा कैसा, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, यहाँ पे देखो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो पहले इनको इंटू कर दो, तीन गुणा चार कितना होता है, बारह, माइनस गुणा प्लस ये रहा, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये आंसर आ गया। मतलब अगर बुराई ज़्यादा होगी अच्छाई कम होगी, मतलब बुराई अच्छाई को तोड़ देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट, अगर प्लस गुणा माइनस हो तो माइनस आता है। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर प्लस तीन गुणा माइनस दो ये हो तो क्या होगा, तीन गुणा माइनस दो तो तीन दूनी छ, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक, आंसर आंसर आ गया। ठीक, अब इसके होने के बाद अगले पॉइंट पे चलते, अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर दो। अब इसमें क्या है, तो प्लस व माइनस को
जोड़ने का नियम, पहले कहता प्लस व माइनस को गुणा करने का नियम, ठीक है। तो देखो पहले आता है प्लस, और प्लस को प्लस करते हैं तो क्या आता है प्लस। फॉर एग्जांपल अगर प्लस दो को प्लस करते हैं और प्लस 3 मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो प्लस 2 ऐसे कैसा, प्लस 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 ही होता है, और 3 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस से आएगा 3, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो फॉर एग्जांपल अगर -3 प्लस -4 हो तो क्या आएगा, सबसे पहले माइनस आएगा इनको करने पर, -3 प्लस माइनस क्या होता है, मतलब गुणा, हमने पहले देखा था शुरू में, वो होता है माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस है तो गुणा करते तो क्या होता है, जोड़ होता है, पहले क्या जाएगा 7, जोड़ देंगे इसको तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इसमें देखो जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह, मतलब इसमें बड़ी कौन है, दोनों के सेम चिन्ह है तो कोई सा लगा दो, ठीक है। अब इसमें तो पता चलेगा क्या आएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है अगर माइनस प्लस और प्लस हो तो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, मतलब बड़ी संख्या और जिस चिन्ह की होगी उस पर निर्भर करता है क्या आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर -3 प्लस 4 हो तो क्या आएगा। तो सबसे पहले -3 ऐसा कैसा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, 4 बराबर, अब क्या आएगा, 3 में से 4 नहीं कटता है, 4 में से 3 तो कटता है ना, 1 आ जाएगा। पहले देखो हमें घटाए क्यों, कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमने पहले पढ़ा था, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब बड़ी संख्या यहाँ पे पढ़ो, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, तो 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, 4 का कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये चेंज हो, मतलब -5 प्लस प्लस 3 ये हो तो क्या होगा, -5 प्लस 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 होता है 3। अब देखो माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो 5 में से 3 कटाओ 2। अब यहाँ पे देखो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ पे कैसे पता करें, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, तो 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5, तो 5 के कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे चल, अगला पॉइंट आता है 4। इसमें देखो अगर प्लस प्लस माइनस हो तो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल के लिए पहले लेते हैं प्लस 4, बीच में आता है प्लस माइनस